हेलो, गुड आफ्टरनून एसआरबीएसई स्टूडेंट। हेलो हेलो, गुड यस आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एसआरबीएसई स्टूडेंट। हेलो, विल यू रिस्पॉन्स मी प्लीज? कैन यू हियर माई वॉइस प्रॉपरली? कैन यू यस मैम। एटलीस्ट रिस्पॉन्स मी? गुड आफ्टरनून और समथिंग एल्स। ओके, सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। यस, एम आई राइट? लास्ट पॉइंट, एम आई राइट? एम आई राइट? यस ओके, सो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? द यस्टरडेज टॉपिक, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, शैल आई स्टार्ट? शैल आई गो अहेड? यस मैम। ओके, नाउ टेल मी दैट द टाइम टेबल इज ऑलरेडी सेट, इवन दो आई डोंट नो यस्टरडे दैट व्हेन योर लाइक एक्सिट लेक्चर एट 12 o'clock, अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइम टेबल at 12 o'clock. Yes, Okay, will you send me the timetable on my personal number? Will you send me? Okay. Okay, okay. So here, the new question, explain the violation rights of women. Okay. Okay. So here, I'm going to read the passage. In India, women suffer from exploitation, discrimination, neglect from all castes, and the state has made very positive legislation, but their implementation is far from the satisfactory. Some social customs, rituals, beliefs, cultural values give secondary status to women. The ultimate solution to the problem of violation of women's rights lies in the drastic change in the mindset of our people. Okay. So whenever we are talking about that violation rights of women, here we know that the secondary status is given to women in our society, and women are suffering from so much mentally exploitation, physically exploitation, verbally exploitation in the society and in all the castes, not in पर्टिकुलर कास्ट। ऐसा नहीं है कि औरतों को सिर्फ एक कास्ट में या दूसरी कास्ट में नहीं, तो औरतें यहाँ पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता है, वो वर्बली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सेक्सुअली हो, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सप्लोटेशन होता है। लेकिन उनको समाज में स्थान दिलाने के लिए जो हमारे राज्य स्तर पे कुछ कामगिरी की जाती है, राज्य स्तर पे NGW वगैरह ऐसा कमीशन बनाया जाता है, फिर भी वो इस तरह से मीन्स इस जो लेवल पे वो पहुंचना चाहिए उस लेवल पे अभी तक वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ कस्टम्स है, रिचुअल्स है, बिलीफ्स है, जो कल्चरल वैल्यूज है, जिसकी वजह से जो सोचने का ढंग है समाज का औरतों की तरफ और समाज का जो देखने का नजरिया है औरतों की तरफ, वो अभी भी बदला नहीं है। द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वायोलेशंस ऑफ वीमेंस राइट लाइज इन द ड्रास्टिक चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। जो सॉल्यूशन क्या उसका निकलेगा, सॉल्यूशन उसका ये है कि अगर हम जब अपनी सोच बदलेंगे, वायोलेशन जो उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनको अपलिफ्ट करने के लिए, औरतों को अपलिफ्ट करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उससे ही समाज सुधर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कल भी हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था प्री कंसेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, कल हमने देखा था कि डाउरी डाउरी प्रोटेक्ट डाउरी था, वायोलेशन वायोलेशन वगैरह था। तो ये हम अभी फिर से यहाँ पे देखेंगे, रेप, देन मोलिस्टेशन, एबडक्टिंग एंड किडनैपिंग, क्रुअल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स एंड डाउरी डे। ओके, सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके,
So the next point is first point. Now I'm going to discuss all these points into the detail. Rape and allied offenses. Rape is a heinous crime committed against women. Rape is essentially power crime that uses sexual intercourse as a tool to demonstrate the dominance in the family or in the political or social sphere. Rape during childhood, marital status, custodial rape, rape by strangers, force, unnatural sex and physical assault with an intention of committing rape. तो ये शब्द हमने बारी बारी हम सुना है क्योंकि हम न्यूज़ में भी देखते हैं. जब हम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तभी ये जो शब्द है रेप वो बहुत ही घिनौना है. और जो ये गुनाह होता है वो भी एक घिनौना गुनाह है. क्योंकि जब जैसे हम केसेस देखते हैं जो रेप करने वाला था वो खुलेआम घूमता रहता है समाज में और जब तक उसको सजा मिलती है तब तक उस लड़की ने आत्महत्या की होती है या उसकी फैमिली को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो कभी कभी रेप कभी किस हालात में होते हैं तो यहाँ पे हमको बताया गया कि बचपन में या किसी ने उस पर रेप किया हो या मैरिटल स्टेटस हस्बैंड हो या कस्टडियल रेप में फॉर एग्जांपल अगर किसी औरत ने गुनाह किया है वो कस्टडी में है तो कस्टडी में उस पर रेप किया गया हो बाय पुलिस ऑफिसर और समथिंग एल्स. कि कभी कभी स्ट्रेंजर भी जो लड़कियों पे रेप करते हैं वो हो सकता है. देन फोर्स अननेचुरल सेक्स एंड फिजिकल असॉल्ट विथ एन इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप. तो इस प्रकार का जो घिनौना कांड होता है या घिनौना हम बोलते हैं गुनाह होता है उसको मद्देनजर रखते हुए जिसने ये काम किया है उसको सजा मिलनी बहुत जरूरी है. तभी उसको ये समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का हमने गुनाह किया है. तो कैसा एक एग्जांपल मुझे बता सकते हैं? आप एक एग्जांपल बता सकते हैं अभी जो चल रहा था लास्ट टाइम जिसको 8 साल के बाद हमें जिसको एक लड़के को 8 साल के बाद उसको न्याय मिला. कौन सा था वो केस बताएंगे जरा आप मुझे कौन सा था? निर्भया वाला था. यस वेरी गुड. निर्भया. तो यही पे हम ये देख सकते हैं ये एग्जांपल यहाँ पे अच्छी तरह से सेट होता है. ओके नेक्स्ट पॉइंट. ओके ट्रैफिक इन वीमेन. तो यहाँ पे उसका बताया गया है कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल क्राइम दैट नेटवर्क अक्रॉस द नेशंस इन्वॉल्व स्मगलिंग एबडक्शन डिसेप्शन बॉन्डेज ऑफ एवरल थाउजेंड ऑफ द वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड. तो ट्रैफिक इन वीमेन मीन्स क्या कि जो लड़कियों औरतें होती है लड़कियाँ होती है तो लड़कियों को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए तहत प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचा जाता है खरीदा जाता है उनको स्मगलिंग करवाया जाता है. उनके साथ बहुत सारे ऐसे घिनौने काम भी करवाए जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो उनकी उनको मजबूर कर देते हैं ये सब काम करने के लिए. फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी मूवीज भी आती हैं तो शायद अपने ये अभी जो मर्दानी अभी न्यू रिलीज फिल्म है मर्दानी और मर्दानी 2 तो आपने उसमें देखा होगा कि ट्रैफिक इन वीमेन आपको वहाँ पे ये पॉइंट आपको दिखाई देगा. सो डू यू अंडरस्टैंड लड़कियों को बेचा जाता है औरतों को बेचा जाता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हेलो यस मैम. डू अंडरस्टैंड? ओके जब भी आप ये मूवी देखेंगे मर्दानी या मर्दानी 2 तो उसमें आपको ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्मगलिंग एबडक्शन डिसेप्शन बॉन्डेज ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स चाइल्ड कि किस तरह से उनको बेचा जाता है पूरा का पूरा जो गैंग होता है उसमें इन्वॉल्व होता है लड़कियों को कहाँ से लिया जाता है उनको उनके साथ क्या घिनौना क्राइम किया जाता है उनको किस तरह से फंसाया जाता है उनको किस तरह से पटाया जाता है फिर उनको कौन से काम करवाए जाते हैं. तो जब भी ये मूवी देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक वायलेंस. द वायलेंस अकर्स विद इन द प्राइवेट स्पीयर जनरली बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड थ्रू द इंटीमेसी ब्लड और लॉ. डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड फिजिकल सेक्शुअल वर्बल इमोशनल economic abuses. The parliament passed the protection of women against domestic violence act 2005 to protect the women for domestic violence. Okay,
यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर मैरिज ये डोमेस्टिक वायलेंस हमको दिखाई देता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जिस तरह से फॉर एग्जांपल जब दो परिवार एक साथ आते हैं तो हर एक परिवार के जो हम बोलते हैं कल्चर होता है या जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो लड़की जब भी अपना घर मायका छोड़ के जब ससुराल में जाती है तो वहाँ उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उनके तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। तो कभी कभी ये तौर तरीके सीखते सीखते उसको मेंटली फिजिकली सेक्सुअली वर्बली इमोशनली उसको हैरेस किया जाता है। तो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पार्लियामेंट ने एक प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये बनाया, जिसकी वजह से वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकती हैं। हर एक फैमिली में नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो इसका इफेक्ट रहता है वो डोमेस्टिक वायलेंस में हमें दिखाई देता है। ब्लड में हो या इंटीमेसी हो या लॉ में हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हमें आफ्टर मैरिज या ऐसा नहीं होता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस कभी कभी हमें घर में भी दिखाई देता है, बिफोर मैरिज भी दिखाई देता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जिस तरह से लोगों का देखने का नज़रिया फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लड़की और लड़के में डिफरेंस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, जिससे लड़की हर बार बहुत सारी चीज़ें उसको लेट इट बी गो ऐसा कुछ उसको करना पड़ता है, जिसे वो सीखना चाहते हैं फिर भी वो सीख नहीं पाते। तो एक ये भी फैक्टर उसमें जिम्मेदार है। तो इसकी वजह से उसका जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, उसका जो विकास होना चाहिए जिस तरह से आजकल के जो लड़कियां होनी चाहिए उस तरह से कभी कभी किसी समाज में या किसी जाति में लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो उसके लिए जिम्मेदार है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ओके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द हैरेसमेंट फॉर डाउरी डेट। ओके, द हैरेसमेंट ऑफ वीमेन फॉर डाउरी इज स्टिल द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। देर इज फिजिकल अब्यूज एंड मेंटल टॉर्चर कॉज टू मैरिड वीमेन फॉर डाउरी। ये पॉइंट मैंने कल आपको लिटिल बिट बताया था, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इन टू द डिटेल। द लार्ज नंबर ऑफ केसेज डाउरी डेथ आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। क्योंकि जो दहेज प्रथा है जो बरसों से चली आ रही है, अभी भी वो ऐसे बोलते हैं कि प्रोहिबिटेड नहीं हुई है किसी कास्ट में, और भी अभी भी ये जो प्रोसेस है, जो ये चैनल है कि दाउरी देना है, दहेज देना है, तो ये कहीं ना कहीं हमें कुछ समाज में या कहीं कुछ जाति में हमको दिखाई देता है। किसी पर्टिकुलर जाति का मैं नाम नहीं लेने वाली, लेकिन जिसकी वजह से लड़कियों को अगर फॉर एग्जांपल एक ही पिता को तीन चार लड़कियां हैं और सबकी शादी में दहेज देना है, तो वो पिता जमीन बेच देगा, घर बेच देगा या कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करेगा और उसकी शादी कर देगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से दहेज लेना ये पसंद करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा भी कभी कभी दिखाई देता है कि दहेज लिया है, लेकिन दहेज लेने के बाद भी उसको जो बहू होती है, वो लड़की होती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसका क्या फ़ायदा? अगर आपको पैसे मिल जाए, आपको दहेज मिल जाए, आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाए, फिर भी उसके साथ जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले अपनी सोच हर एक को अपनी बदलनी चाहिए। क्योंकि जिसको फॉर एग्जांपल जिसके घर में लड़की पैदा होती है, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसको इस लड़की को मैंने परेशान किया, तो मेरी लड़की भी कहीं ना कहीं परेशान होने वाली है। तो ये बात सही हर एक पॉइंट में या हर एक स्टेप में हमें दिखाई देता है। बिकॉज इट इज़ द लॉजिक ऑफ कर्मा, व्हाट यू पुट इट विल ग्रो कि जो आपने बोया है वही उगेगा। तो यहाँ पे वैसा दिखाई देता है। पर ये जो डाउरी डेथ या डाउरी जो प्रोसेस है वो समाज से जल्दी निकाल देनी चाहिए। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? रोही डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज
sexual harassment at workplace. Okay, this is the form of violation is faced by the large number of working women in the work environment. Sexual harassment includes at workplace. The first point is physical contact and advance request for sexual favors. Third point is sexually colored marks. Then next point is showing pornography, and fifth one is any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के यहाँ पे हमको टाइप्स दिए गए हैं. दोज आर वर्किंग वुमेन, इवन दो दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि इस तरह का जो व्यवहार होता है जो किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसमें ज़्यादातर हमको ये दिखाया जाता है कि फिजिकल कॉन्टेंट और एडवांस, कि कुछ ऐसे मर्द होते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा करीबी मीन्स फिजिकली ज़्यादा से ज़्यादा करीबी क्या बोल सकते हैं कि फिजिकली ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं. दूसरा होता है रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, कि कभी कभी डायरेक्टली सेक्सुअली रिक्वेस्ट रख देते हैं उसके सामने. दूसरा तीसरा होता है सेक्सुअली कलर्ड मार्क्स, कि सपोज इफ वन पर्सन इज इंटरेस्टेड फॉर सेक्स एंड ही वॉन्ट्स दैट ही शोज दैट पर्टिकुलर कलर मार्क्स और समथिंग लाइक फॉर सेक्स टू दैट पर्टिकुलर वीमेन. तो नेक्स्ट पॉइंट इज शोइंग पोर्नोग्राफी. सो इस तरह के कुछ यहाँ पे फिजिकली वर्बली और नॉन वर्बली जो रिमार्क होते हैं या कंडक्ट होते हैं जो सेक्सुअली हैरेस करने के लिए औरतों को दिखाए जाते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड अफीफा? अफीफा मैम. ओके ओके. यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल डिप्राइवेशन ऑफ वीमेन. जनरल डिप्राइवेशन ऑफ वीमेन, उसमें पहला पॉइंट आता है हेल्थ. एज कम्पेयर टू मैन, वीमेन्स हेल्थ इज मोर निग्लेक्टेड बाई द सोसाइटी. जैसे हम अपना घर का ही उदाहरण ले लें, तो जिस तरह हमारी माँ काम करती है पूरा दिन भर, तो उसकी हेल्थ के बारे में बात की जाए तो वो अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके लिए अपने घर के फैमिली मेम्बर्स अपना काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. कभी अपने आप फॉर एग्जाम्पल कभी आप अपने माँ से पूछिए कि आप आज आप ठीक हो क्या. हाँ, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तभी हम सभी उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तभी उसको खुद को भी पता नहीं रहता और फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है. अंडरस्टैंड? हम जो लड़कियाँ जो अभी आप लेक्चर अटेंड कर रही है, तो सबसे पहले जैसे बोलते हैं कि जान है तो जहान है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट जो स्टेप है तो हमारी हेल्थ है. अगर हमारी तंदुरुस्ती ठीक है तो हम सब कुछ काम अच्छी तरह से कर सकते हैं. मर के तो काम नहीं कर सकते, मन भर के तो काम नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से तंदुरुस्ती हमारे आरोग्य और तंदुरुस्ती हमारे लिए सेहत हमारे लिए सबसे पहला फैक्टर है. दूसरा है एजुकेशन. इवन इन 2007 and 2008 43% रूरल वीमेन वर इलिटरेट. More than half of SC and ST women are illiterate in the India. That is, when we talking about the SC and ST women, they are most probably illiterate. Okay, so यहाँ पे एक chart दिया गया है, यहाँ पे एक point दिया गया कि 2007-8 में एक 43% rural women जो ग्रामीण विभाग की जो महिलाएं हैं वो अशिक्षित हैं. तो ज़्यादातर जब भी आप for example आपको ये chance मिल रहा है पढ़ाई का, तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और अच्छी तरह से करनी चाहिए कि हाँ चलो अभी फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट माइंड दैट पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज वीमेंस आर निग्लेक्टेड एंड आफ्टर आई थिंक इफ दे आर स्टडिंग दैट दे कैन स्टडी टिल 12th और 10th और समथिंग लाइक दैट. ओके रिया, आप कुछ पूछना चाहती है? रिया मोरे? नो मैम. बाय मिस्टेक यू रेज द हैंड? हाँ मैम. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको जब पढ़ाई का मौका मिलता है तो आपको जो काम अपने जो लाइफ अपना जो सही टाइम होता है उसमें करना चाहिए. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि उसको हमने गंवाना नहीं है.
So the next point is there is a 20% point literacy gap between the men and women. तो ज्यादातर जब भी after marriage की जैसे difference रहता है तो literacy difference रहता है तो कभी कभी लड़का ज्यादा पढ़ा हुआ होता है और लड़की कम पढ़ी हुई होती है या कभी कभी लड़की ज्यादा पढ़ी हुई होती है और लड़का कम पढ़ा होता है. पर मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ऐसा होता है कि लड़का ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से डिफरेंसेस बीच में दिखाई देते हैं और आपकी सोच थोड़ा सा सोच में आपका डिफरेंस दिखाई देता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर डिस्पेरिटी इन द नेट अटेंडेंस रेशियो इज मोर देन इन रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में से ज़्यादा जेंडर डिस्पेरिटी हमको दिखाई देती है. वहाँ पे लड़की और लड़कियों में ज्यादा से ज्यादा भेदभाव किया जाता है वो हमें वहाँ पे दिखाई देता है. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट. तो दूसरा है देयर इज अ हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वीमेन एज कम्पेयर टू मैन. जैसे मैंने अभी बताया कि जितना आप ज़्यादा पढ़े होंगे या खुद सक्षम होंगे तो आप अपने हिसाब से अपना लाइफ लीड कर सकते हैं. पर यहाँ पे हमको क्या जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि कम पढ़ाया गया है या लड़कियों को शिक्षा ही नहीं मिली तो अपना लाइफ कैसे किस तरह से लीड करेंगे. हर एक बात के लिए उसको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कभी कभी फॉर एग्जांपल हमें आजू बाजू के परिसर में या मोस्ट प्रोबेबली जो औरतें ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं होती है तो शायद वो अपना छोटा मोटा काम करके भी अपना घर चला सकती है. फॉर एग्जांपल गृह उद्योग जिसकी हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी वो छोटा बहुत काम कर आपकी कला से भी अगर आपने कुछ सीखा है तो कला से भी आप अपना लाइफ लीड कर सकते हैं. Do you understand this point properly, Sakshi? Do you understand? Do you understand this point properly, Pratiksha? Sorry, Parikshit? No response. Okay, the next slide. मोर वीमेन आर इन्वॉल्व इन द लेबर फोर्स इन द रूरल एरिया. क्योंकि जिस तरह से हमें गांव की जो सिचुएशन होते हैं ग्रामीण विकास में तो औरतों को इतनी शिक्षा नहीं मिलती तो जो ज़्यादातर वो लेबर का काम मजदूरी का काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं. देर आर क्वालिटेटिव वर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर वीमेन. इट मीन्स दैट वीमेन आर जनरली ऑफर लेस चैलेंजिंग जॉब्स विच आर ऑफ द रूटीन नेचर. तो इसके एक इम्पैक्ट हेलो कौन बोल रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है. साक्षी अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. टीवी चालू है तो अपना जरा ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. तो यहाँ पे वर्सनिंग कंडीशन ऑफ वीमेन वी कैन सी इन द वीमेन. व्हाई? Because they are illiterate, they are given the job which are very challenging for them, which are out of the routine. Okay, so it means that कि उनको जो घर का काम करके भी फॉर एग्जाम्पल मेड है हमारे घर में जो मेड आती है तो हमारे घर का काम करते हमारे घर का भी काम करना है उसको और दो घर पे काम करे उसका घर का भी काम करना है और उसको अपने खुद का घर का भी काम करना है. So that is that challenging job for out of the routine. So we can understand that. Do you understand this point properly? Do you understand this point properly? Hello. Do you understand this point properly? Yes, ma'am. Okay, then next point is there is a discrimination against women at workplace resulting in the lower wages, slower promotion and unequal opportunities being offered. तो ज़्यादातर जैसे हम सिटी एरिया की बात करें या डेवलपमेंट एरिया की बात करें तो the women who are working for example तो उसके वर्क प्लेस में भी उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. तो उसका इम्पैक्ट हमें कहाँ दिखाई देता है तो रिजल्टिंग इन लोअर वेजेस कम तनख्वाह दी जाती है लोअर प्रमोशन उसकी प्रमोशन होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है. एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज बीइंग ऑफर तो उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए लेकिन उसको उतने मौके मिलते नहीं हैं. ओके
then the traditional role of women as a housemaker negatively affects the selection of careers on the part of women, selection of the women on the part of employees. Those, okay, so here it is said that the women who are housewives, those who are housewives, most probably they leave their career for the family members, for their children, and after onwards they are just doing at the work at home, whichever the household things or whichever the household work we have to do it. And after onwards doing so much duties, performing so much duties, she doesn't get nothing. यहाँ पे कभी कभी ऐसा दिखाई देता है, ट्रेडिशनल वुमेन मीन्स जो औरतें हाउस वाइफ या घर में है, घर पे काम कर रही है, तो उनको ज्यादातर अपना जो करियर होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि करियर चूज करने के लिए एक तो वो करियर चूज नहीं कर पाती, और करियर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने वो अपना जो करियर है तो वो घुमा देती हैं, तो उसकी वजह से घर में इतना सारा काम करने के बाद भी उसको वही ताने मिलते तो तुम घर में क्या करते हो. सो दैट इज द थिंग, कितनी सारी ड्यूटीज वो निभाती है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाती है, फिर भी उनको वही ताने मिलते आप घर में क्या करते हो. सो दैट इज द थिंग. सो डू यू अंडरस्टैंड वायोलेशन राइट्स ऑफ वीमेन प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके, so whenever the questions will be completed, PPTs are given to you, at least make your own notes and give it to the or send it to me on the classroom. No one is sending, only one or two children, or out of 130 only 5 to 6 children are sending. Okay, so you have more time right now, you have more time to do it, you are at home right now. Okay, so you can do more work. Understand? Get it? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. So the next new question is, explain the constitutional and legal rights of children. Okay, so we can see here the constitutional rights, first of all, of the children. The rights are as follow. The state is empowered to make affirmative discrimination in the favor of children. कि जब बच्चों की बात की जाती है तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उनके फेवर में कुछ उनके फेवर में कुछ बोला जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी या हक मिल सके, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाए गए हैं. The state shall provide the free and compulsory education to children on the age of 6 to 14. So, हर एक बच्चे के लिए तो स्टेट ने और राज्य स्तर पे कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी बनाई है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कितने बच्चे वहाँ पे जाते हैं और कितने बच्चे रिमेन आउट ऑफ द स्कूल रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड. तो ज़्यादातर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना फोर्स लेबर भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से दोनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करनी चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन. तो बच्चों की जब बात आती है तो कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता, बाल मजदूर की तरह काम नहीं कर सकता, कोई भी फैक्ट्री में या कहीं पर भी वो काम नहीं कर सकता. लेकिन हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना बच्चों को काम करते हुए कभी कभी? यस और नो? यस और नो? यस यस, हमें कभी कभी बच्चे दिखाई देते हैं काम करते हुए कि चाइल्ड लेबर की तरह वो काम कर रहे हैं. देन द स्टेट इज एंश्योर दैट द चिल्ड्रन ऑफ टेंडर एज आर नॉट अब्यूज. कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं, तो उनको अब्यूज नहीं करना चाहिए. द स्टेट इज एंश्योर, ये हमको सबको जिम्मेदारी हमारी सबके साथ जुड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल आपकी हमारी फैमिली में 2 या 3 बच्चे हैं. ओके, 2 बच्चे हैं, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं उतना टाइम अच्छा है.
लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद का एक वर्ल्ड बना लेते हैं, एक अपनी दुनिया, अलग दुनिया बना लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी के साथ घुलते मिलते हैं, किसके साथ जाते हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की और गार्डियन की है कि मेरा बच्चा किधर जा रहा है, तो मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, या उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो उसके जो साइकोलॉजी है उसकी समझ, उसको समझने के लिए पेरेंट्स और उसके जो गार्डियन होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी रहती है। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये हर एक माँ बाप सोचते ही रहते हैं, लेकिन हर बार तो बच्चे को अपने साथ नहीं रह सकते, लेकिन उस पर किस तरह काम करना है, बच्चे को किस तरह से समझाना है, ये सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। डू यू अंडरस्टैंड यस और नो? यस मैम। यहाँ पे अभी अब्यूज की बात आई है, तो गार्डियन की भी, गार्डियन और पेरेंट्स की, क्योंकि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं तो बच्चों को खुल के फैमिली में हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी वो टॉपिक हमको डिस्कस नहीं किया जाता है, तो फिर बच्चों के लिए जो चीज़ें उनको आसानी से नहीं मिलती, तो वो बच्चे वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ गलत तरीके से ढूंढ लेते हैं। तो उनको ऐसा एजुकेशन, जो ऐसा एजुकेशन बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से उन्हें पूरा एजुकेशन में वह टॉपिक, वो पॉइंट, वो किस तरह से होना चाहिए उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे भी अभी भी हमारे पास जो टॉपिक है, अगर मैंने आपको खुल के इससे बात नहीं बनाई या उसके बात बताई नहीं, तो आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, या समझ में भी आएंगे तो भी फिर आप आपका सोचने का तरीका क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिससे आपको टीनेजर्स जो एज है तभी से आपको पता चले, कि जैसे जैसे आपका एज हो रहा है तभी सही क्या और गलत क्या, तो आपको ये खुद तभी से पता चलता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन द हेल्दी मैनर एंड इन द कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, and that childhood and youth are protected against exploitation and moral as well as material adornment. तो यहाँ पे स्टेट ने एक बात मीन्स जो कमीशन बनाया है या राइट बनाया है, तो उसमें एक बात यह भी रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि वो हेल्दी मैनर में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने ये मूवी देखी होगी शायद, तारे जमीन पे देखी है आप सब ने? सारे जमीन पे देखी है? यस और नो? यस और नो? हाँ, तो उसमें हमें नॉर्मल चाइल्ड और एब नॉर्मल चाइल्ड दोनों को, दोनों टाइप के बच्चे हमें दिखाई देते हैं ना, नॉर्मल चाइल्ड और एब नॉर्मल चाइल्ड। जो कैरेक्टर बताया है ईशान का, जो कैरेक्टर बताया है, वो कोई एब नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं था, एब नॉर्मल चाइल्ड नहीं था, वो नॉर्मल चाइल्ड है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने की दिक्कत होती है, पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन उसको समझने के लिए उसके पेरेंट्स के पास भी उतना समझ शक्ति नहीं था, उसका समझ शक्ति था क्या, उतना समझ शक्ति था उनके पेरेंट्स के पास? हेलो, उसका इतना समझने के लिए उसके पेरेंट्स के पास उतना समझ शक्ति था क्या? नहीं था। तो फिर जो गार्डियन आए, जो टीचर आए, कि वो खुद उस प्रोसेस में से जो निकल चुके हैं, जो उसमें से ये उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, लोगों का देखने का जो नज़रिया, तो फिर उन्होंने उस बच्चे को ट्रीट किया, ऐसा हमको दिखाया है। फिर हम जब एबनॉर्मल चाइल्ड की बात करते हैं, तो उसको ऑलरेडी हम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं कि हाँ बाबा ये एबनॉर्मल है, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलना चाहिए, उसका पर्टिकुलर स्कूल होना चाहिए। तो हर एक बच्चे की जो कैपेसिटी होती है वो अलग रहती है, तो व्हेन वी कंपेयर अवर सेल्फ टू द अदर्स वी आर गोइंग टू लेइंग डाउन। जैसे हम अपने कंपैरिजन दूसरों के साथ कभी कभी करते हैं, तो उसकी वजह क्या होता है, एक तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें गिल्टी फील होता है। तो ऑलवेज when we compare ourselves with the others, that is that
every individual development is different because every individual is different. क्योंकि हर एक इंसान अलग है और हर एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है वो भी अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि दो चिल्ड्रन हैं, दो बच्चे हैं घर में, तो उसके दोनों के साथ ही कंपैरिजन कभी कभी किया जाता है. देख बड़े भाई ने ऐसे किया, देख तेरी बड़ी 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 दीदी ने ऐसा किया, तो क्यों नहीं करता. तो हर एक बच्चे का जो कैपेसिटी है हेल्दी मैनर में होना चाहिए, ऐसा ही हमको यहाँ पे बताया है. तो उसकी वजह से जितना बच्चा हेल्दी मैनर में ग्रो अप हुआ होगा या पला बड़ा होगा तो वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल पाएगा, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से समझ सकेगा और संभाल भी पाएगा आगे जाके. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू हिज चिल्ड्रन. क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स को तो पढ़ाना होता है लेकिन कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से बच्चे को वो पढ़ा नहीं सकते. क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसे बच्चे कुछ हमें भी दिखाई देते क्योंकि हम भी जो टीचर हैं अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको, तो पेरेंट्स पूरा फैसिलिटी उनको देते हैं, मोबाइल बाइक वगैरह सब कुछ देते हैं, खुद बहुत मेहनत का काम करते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ पाता, तो वो गलती किसकी है, बच्चे की है या पेरेंट की है? बच्चे की है या पेरेंट की है? अगर आपको फुल फैसिलिटी दिया जाए तो आप नहीं पढ़ सकते तो गलती किसकी होगी? गलती किसकी होगी? पूरा फैसिलिटी पढ़ाया जाता है, पूरा फैसिलिटी दिया जाता है, तो गलती किसकी होगी बताएंगे सर? हेलो, व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग? यू थिंक दैट वी आर सिटिंग इन द क्लास? हाँ, एंड प्लीज गिव द आंसर. गलती आपकी होगी कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं जितना वो आपके लिए फीडबैक दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स उतना फीडबैक उनको नहीं दे पा रहे, तो गलती आपकी भी होगी थोड़ी बहुत, कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है ठीक से, ढंग से पढ़ते नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि जो पेरेंट्स मेरे लिए इतना पैसा मेरे लिए खर्चा कर रहे हैं तो उनका कुछ भी 1 or 2% और 50% भी उनको वापस कर दूँ तो मेरा कर्ज कुछ कम हो जाएगा. कर्ज तो हम नहीं चुका सकते, माँ बाप का कर्ज तो कभी हम चुका ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता है. डू यू अंडरस्टैंड? Do you understand, all of you? Yes, ma'am. Okay. So, we shall stop here. पर उससे पहले, जाने से पहले, मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ. ये अभी तक आपने कितने कितने पॉइंट्स नोट डाउन किए? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल के पॉइंट्स कौन से थे? जरा बताएंगे. Constitution and legal rights of women. ओके, उसमें भी पॉइंट्स थे. हाँ हाँ, तो कौन से थे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजंस ऑन अराउंड द ग्राउंड ऑफ सेक्स, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन ट्रैफिक एंड वुमेन ए ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड. Yes, very good. No citizen shall be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on the ground of sex, and the state to secure equal pay for equal work for both and for both men and women. Men and women. Okay. और legal rights में कौन से 10 points थे? Legal rights में sexual harassment of women at workplace and preconception and prenatal diagnostic techniques, protection of women from domestic violence, yes, commission of sati, mm-hmm. national commission for women.